दोस्तों और एक लूट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल टेक्निकल घोष में। दोस्तों आज का जो आप वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको फ्री में 100 रुपीज़ का फ्री में अमेजोन पे बैलेंस मिलेगा और दोस्तों 10 रुपीज़ का फ्री में पेटीएम दोस्तों कैश मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करते हुए दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो दोस्तों आपको कुछ ऑनलाइन पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल घोष को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दबा सब्सक्राइब कर ले, बगल में एक नोटिफिकेशन का आइकन आएगा इसको भी हिट कर दे, इससे हमारे लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियो सबसे पहले आप नोट सकेंगे। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना है, इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ते रहेंगे, इस तरह का और लूट ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अमेज़न पे की तरफ से पिछले वीडियो में मैंने इसका भी रिव्यू करा किया था तो दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था जिसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास अभी है और दोस्तों कुछ फ्रेंड के लिए आ रहा तो उस वीडियो में मेरा आवाज़ भी थोड़ा धीरे आ गया, इसीलिए मैं दोबारा उस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे आप अपना अमेज़न ऐप को ओपन, दोस्तों अमेज़न आपके पास अमेज़न अगर एप्लीकेशन नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, अगर आपके पास अकाउंट है तो दोस्तों ऑलरेडी साइन इन में क्लिक कीजिए, अगर आपके अकाउंट नहीं है तो दोस्तों आपको इसमें जो क्रिएट न्यू अकाउंट में इसमें एक बार क्लिक कर देना है। और दोस्तों क्रिएट न्यू अकाउंट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपके वही नंबर से इसमें साइन अप कीजिए जिस नंबर में आपका दोस्तों मतलब बैंक जो बैंक है उसका लिंक है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक है। तो दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, पासवर्ड डाल के यहाँ पे वेरीफाई नाम में क्लिक करते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपको फिर ऑलरेडी साइन इन में एक बार क्लिक करना होगा। साइन इन में क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर था उसके यहाँ पर फिलअप, फिर दोस्तों आपको कंटिन्यू में एक बार क्लिक करना, अपना मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो फिर दोस्तों जो आपको पासवर्ड था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना, जैसे मैं डाल लेता हूँ। सिंपली दोस्तों पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको लॉग इन करना, जैसे आप लॉग इन करते हैं तो दोस्तों जैसे आप इसमें लॉग इन करते हैं इस तरह कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लाइन का एक आइकन दिख रहा है, सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अमेज़न पे जो है इसको ढूंढ लेना है, अमेज़न पे में ढूंढ लेना है, इसमें एक बार क्लिक करना है। जैसा आप इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों तो दोस्तों जैसे इसमें आपका अमेज़न पे में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे में स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे में एक ऑफर होगा कि दोस्तों फ्लैट 100 रुपीज़ कैशबैक, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है कि फ्लैट 20 रुपये कैशबैक ऑफ 5 ट्रांजेक्शन। यहाँ पे दोस्तों जो इसका डिटेल्स है दोस्तों 21 तारीख से लेकर ऑफर 27 तारीख तक चलने वाले हैं। पहले भी मैंने इस वीडियो को 21 तारीख में अपलोड किया था, उसमें मेरा आवाज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं था आवाज़ क्वालिटी, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 21 तारीख आज हो गए 23 तारीख, तो दोस्तों इसमें जाइए और इसमें ट्राई कीजिए। कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक बटन दिख रहा है सेंड मनी, तो सिंपली आप सेंड मनी में एक बार क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड मनी में क्लिक करते हैं, सेंड मनी का क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा सेंड UPI ID, तो सिंपली आपको सेंड UPI ID में एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप सेंड UPI ID में क्लिक कर दोस्तों जैसे आप सेंड मनी बटन में क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका जो सिम है जिसमें आपको बैंक अकाउंट लिंक है उस सिम को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करेगा उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड में क्लिक करते हैं फिर दोस्तों ऐसा कुछ होगा, फिर बोलेगा चूज योर बैंक, तो जो आपका बैंक है उसको दोस्तों सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अपना बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों जैसे मैंने बैंक अपना सिलेक्ट कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली एक बार नेक्स्ट वाला बटन में क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट वाला बटन में क्लिक कर फिर दोस्तों आपको जैसे ही तीनों चीज एकदम ग्रीन कलर का राइट हो जाता है उसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू सेंड मनी बटन में एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों जैसे सेंड मनी बटन में आप क्लिक करेंगे दोस्तों बोलेगा ये इंटर योर UPI ID, जो भी आपको UPI ID है अपना दोस्त का उसका UPI ID डाल देना है। जैसे आप डाल देते हैं दोस्तों UPI ID डालने पर वेरीफाई और प्रोसेस का एक बटन दिख रहा तो सिंपली आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको लोडिंग लेगा वेरीफाई का, जैसे थोड़ा यहाँ पे वेरीफाई का लोडिंग ले रहा दोस्तों, जैसे ये वेरीफाई लेता आपको दोस्तों सिंपली 50 रुपये यहाँ पे दे देना, उसके बाद दोस्तों सेंड मनी बटन में एक बार क्लिक कर देना। फिर दोस्तों जो आपका UPI PIN है उसको सिंपली डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि देख पा रहे कि मैंने एक UPI ट्रांजेक्शन कर लिया, इसी तरह से आपको 5 ट्रांजेक्शन कर लेना। जैसे मैं कर लेता हूँ 5 ट्रांजेक्शन दोस्तों, आपको भी अपना 5 ट्रांजेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे अभी मेरे पास अमेजोन पे में 44 रुपीज़ है, मैंने 2 बार ट्रांजेक्शन किया। अभी दोस्तों इसको मैं पूरे 100 रुपीज़ करके दिखाऊंगा आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों थोड़ा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए इस तरह का लूट पाने के लिए, जैसे मैं कर लेता हूँ। और दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंडों को ऐसा कुछ आ रहा प्रॉब्लम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सॉरी
एंड एरर रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों उनके लिए भी इस प्रॉब्लम का भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि ये प्रॉब्लम उनको क्यों आ रहा है। जैसे वो मतलब हर चीज़ उनका लिंक हो जा रहा है, बैंक अकाउंट भी लिंक हो जा रहा उनके पास। जैसे आप मनी ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उसके बाद दोस्तों इस तरह कुछ इंटरफेस आ रहा है, या बैंक अकाउंट लिंक करते समय इस तरह कुछ इंटरफेस आ रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है उसका भी मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अमेजन ऐप को जो है दोस्तों इसका डाटा क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन ढूंढ लेना। जैसे मैं दोस्तों एप्लीकेशन का ढूंढ लेता, फिर दोस्तों आपको ऐप मैनेजर में आना। जैसे मैं ऐप मैनेजर में आ जाता हूँ, तो ऐप मैनेजर में आके दोस्तों सिंपली अमेजन का आपको क्लिक करना है। अमेजन का क्लिक करने के बाद इसका डाटा क्लियर कर देंगे। दोस्तों डाटा क्लियर करने के लिए सिंपली आपको स्ट्रॉन्ग में एक बार क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसको सिंपली दोनों जो डाटा दिख रहा है इसको सिंपली क्लीन करना। जैसे मैं इसको क्लियर कर, क्लिक करने के बाद आपको क्लियर करने के बाद आपको फिर से अमेजन को ओपन कर लेना। जैसे मैं फिर से दोस्तों आपको साइन इन में कर लेना है, जिस जो अकाउंट से आपका एरर आ रहा है। जैसे मैं साइन इन कर लेता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आपका डैशबोर्ड खुल जाता है फिर दोस्तों आपको थ्री लाइन में क्लिक करना। थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद अमेजन पे को सिलेक्ट करना है। अमेजन पे को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों जैसे इसका डैशबोर्ड आपको ओपन है तो थोड़ा सा इसको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दोस्तों और एक ऑप्शन दिखेगा अमेजन यूपीआई, तो दोस्तों अमेजन पे यूपीआई का आपको सिलेक्ट करना। तो दोस्तों जैसे इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको थोड़ा इस तरह का आइकन आएगा। तो सिंपली यहाँ पे पेमेंट बैंक का यहाँ आइकन देखेगा बैंक का, तो सिंपली आपको इसमें एक बार, तो दोस्तों जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे निकल आएगा डी रजिस्टर, तो सिंपली आपको एक बार डी रजिस्टर में क्लिक कर देना। जैसे डी रजिस्टर में क्लिक कर, तो दोस्तों सिंपली इसको एक बार डिलीट कर देना। जैसे दोस्तों आप इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों, फिर से आप मैनेज बैंक अकाउंट में जाइए। फिर दोस्तों जाके चूज बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक था उस बैंक को चूज कर लीजिए। फिर से वही आपको, तो जैसे आप चूज अकाउंट में क्लिक करते हैं फिर दोस्तों ऐड अकाउंट में आप क्लिक कर दीजिए एक बार। फिर दोस्तों आपको फिर से वही जो फोन नंबर था उसको फिर से वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे मैं कर, फिर से दोस्तों आपको वही इंटरफेस आया। फिर से दोस्तों आपको वही करना है जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मैं आपको सामने लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फिर से आपको सेंड यूपीआई आईडी में एक बार क्लिक करना है, अपना जो भी फ्रेंड का यूपीआई आईडी डालने के बाद। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो दोस्तों फिर से आपको वही करना है। यहाँ पे 50 रुपये से एंटर करना है। जैसे मैं दोस्तों 50 रुपये फिर से एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद सेंड मनी एक बार बटन में एक बार क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने सेंड मनी बटन में क्लिक किया दोस्तों फिर से मेरा यूपीआई आईडी डालने का मौका मिला। फिर से मैं डाल देता हूँ यूपीआई आईडी दोस्तों। जैसे मैं डाल दिया उसके बाद दोस्तों फिर से ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगी आपको थोड़ा यहाँ पे। तो दोस्तों इसी तरह से करके इस अकाउंट में भी मैं 5 बार कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरे पास 104 रुपीज़ है। तो दोस्तों अभी मैंने इसको इंस्टेंट कैशबैक कमाया, तो उसके लिए इंस्टेंट कैशबैक लेने के लिए आपको सिर्फ व्यू स्टेटमेंट में क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे व्यू स्टेटमेंट में क्लिक कर देता, तो दोस्तों जैसे आप व्यू स्टेटमेंट में क्लिक करते एक बार, तो दोस्तों आप यहाँ पे तारीख देख पा रहे हैं कि दोस्तों 23 तारीख को दोस्तों मैंने 5,050 रुपीज़ करके ट्रांजेक्शन किया। उसके बदले में दोस्तों अमेजन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो दोस्तों मुझे 20 रुपया करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दोस्तों 5 बार कैशबैक मिला है दोस्तों। इस तरह से आपके पास अगर एक बैंक अकाउंट है एक मोबाइल नंबर पे दोस्तों 100 रुपये मिलेगा। अगर दो बैंक अकाउंट है आपको मोबाइल नंबर में और दो ही बैंक अकाउंट आपका लिंक है उस सिम में, तो दोस्तों आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हर मोबाइल नंबर के हर बैंक अकाउंट में लिंक में दोस्तों बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो ऑफर की ओर। दोस्तों दूसरा जो ऑफर था दोस्तों उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरह कुछ लिंक मिलेगा। जैसे दोस्तों इस लिंक में आपको एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ आएगा कि आपको चूज योर ब्राउजर। तो दोस्तों आपको कोई भी एक ब्राउजर को आप चूज कर सकते हैं या दोस्तों अपना व्हाट्सअप को भी चूज करते हैं। जैसे दोस्तों आप कोई भी ब्राउजर को चूज करते हैं इस तरह कुछ आएगा, तो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे थोड़ा आप वेट करते हैं दोस्तों इस तरह कुछ आएगा कि स्टार्ट ऐसा कुछ आएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे सेंड वाला एक बटन दिख रहा है दोस्तों, सिंपली आपको सेंड वाला बटन में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेंड वाला बटन में क्लिक करते हैं दोस्तों, उधर से थोड़ा रिप्लाई आने में थोड़ा आपको वेट लगेगा। जैसे आपको ऐसा आता है तो दोस्तों बोलेगा कि हाई आई एम थैंक यू चूज, तो दोस्तों बोलेगा कि एग्जाम्पल फॉर वन। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपका जो लैंग्वेज है दोस्तों, जैसे आपका इंग्लिश है जो भी आपका लैंग्वेज है, सिंपली मेरा जो लैंग्वेज है तो दोस्तों मैं अपना दे देता हूँ। जैसे मैं अपना इंग्लिश करने वाला, तो दोस्तों आपको सिंपली आपको जो है आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर देना। जैसे दोस्तों आप इंग्लिश में करते हैं आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। फिर दोस्तों बोलेगा प्लीज़ योर रिप्लाई योर 0 पासवर्ड कैंसिल, तो दोस्तों बोलेगा आपको कुछ पासवर्ड दे देना। तो दोस्तों आपको कुछ भी एक पासवर्ड दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड दे देता हूँ दोस्तों, दोस्तों आपको कुछ वहाँ पे कुछ पासवर्ड यहाँ पे दे देना। जैसे दोस्तों मैं आपको 8 डिजिट का आपको कोई भी पासवर्ड रखना है। जैसे मैं रख देता हूँ 3। दोस्तों जैसे मैं अपना पासवर्ड 8 डिजिट का रखता हूँ, फिर आपको सिंपली आपको सेंड वाला बटन में एक बार क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों सेंड वाला बटन में एक बार क्लिक कर, फिर दोस्तों आपको उधर से इस तरह कुछ रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों जो 6 लिख रहा है तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली 6 में एक बार क्लिक कर देना, मतलब शेयर वाला बटन में सिंपली आपको 6 में एक बार क्लिक कर देना। 6 लेके आपको जैसे सेंड करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इंस्टेंट आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। जैसे थोड़ा मैं यहाँ पे, तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर रेफरल लिंक मिल गया है। तो दोस्तों इस रेफरल लिंक
में जाके आपको वही प्रोसेस जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस का अगर कराते हैं तो दोस्तों पर शेयर का आपको दोस्तों मतलब यहाँ पर शेयर का दोस्तों मतलब आपको 10 रुपीज़ करके मिलेगा। और दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं, कुछ मतलब आप ऐसे ही कुछ करते रहेंगे, ऐसे ही किसी को भी फ्रेंड को शेयर करेंगे इस तरह से करेंगे तो दोस्तों आपको इंस्टेंट जो यहाँ पे BTC कॉइन मिलेगा। और दोस्तों बता दूँ इसका BTC कॉइन का जो वैल्यू है $1 इस बहुत $1 का दोस्तों आपको 60-70 रुपीज़ करीब होता है। दोस्तों इस पैसे को आप रिडीम कैसे लगा पाएंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि रिसीव सेंड एक्सपोर्ट, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेंड जीरो, तो दोस्तों आपको सेंड जीरो में भी आप क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी कितना पैसा है। तो दोस्तों जैसे मैं सेंड जीरो में एक बार क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा कि आपके पास अभी कितना पैसा है। दोस्तों जैसे आप सेंड जीरो में क्लिक करते हैं दोस्तों और एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कि दोस्तों क्लेम रिवार्ड, तो दोस्तों सिंपली आपको 7 में एक बार क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप 7 लिख के सेंड करते हैं दोस्तों आपको इस तरह कुछ आइकन आएगा, जैसे आप 7 लिख के सेंड करते हैं दोस्तों यहाँ पे बोलेगा कि 0.USD। दोस्तों मैंने अभी एक फ्रेंड को इसमें रेफर किया तो 0.10 USD जिसका दोस्तों इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया तो दोस्तों इसको 15 रुपीज़ आपको करीब मिला। तो दोस्तों एक रेफर में आपको दोस्तों 15 रुपीज़ करके मिला। और दोस्तों इस पैसों को आपको कैसे रिडीम लगाएंगे, किस तरह से आपको मतलब इसको बैंक में लेंगे, तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका फुल प्रोसेस बताऊंगा। अभी दोस्तों आप इसमें शेयर कीजिए और खूब सारा पैसा अर्न कीजिए। और दोस्तों इसका 100% आउट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपको बैंक में लेना है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको मतलब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा तो इस ऑफर का मैंने डिटेल्स बता दिया कि आपको कैसे रेफर अर्न करना। आप दोस्तों में पैसा अर्न के लीजिए और मैं दोस्तों आपको अगर बेचना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरे जीमेल है, उस जीमेल में मेरे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि आपको एक BTC का मतलब 0.BTC का कितना वैल्यू आपको मिलेगा, आपको पेटीएम वॉलेट में मैं सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ऑफर। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑफर आ रहा पेटीएम का, दोस्तों सिंपली आपको पेटीएम को ओपन करने के बाद आपको पेटीएम अकाउंट थोड़ा ओल्ड एंड रहना चाहिए जिसमें दोस्तों अपना रिचार्ज इस महीने में कुछ नहीं किया। तो दोस्तों एक मैं एक कूपन दिख रहा हूँ आपको Free 10, तो दोस्तों सिंपली आपको एक Free 10 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एंटर अमाउंट में आपको 10 रुपीज़ डालना है। 10 रुपीज़ डालने के बाद आपको सिंपली आपको बाय करना है। जैसे आप बाय करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंपली प्रोसीड का एक बटन है, तो सिंपली आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड में क्लिक करेंगे इस तरह लोडिंग लगा, आपको सिंपली फास्ट फॉरवर्ड को क्लिक को हटा के यहाँ पे हैवे प्रोमो कोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हैवे प्रोमो कोड में एक बार क्लिक कीजिए। हैवे प्रोमो कोड क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक प्रोमो कोड शो होगा जिसका नाम है दोस्तों Free 10। सिंपली आपको Free 10 में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप Free 10 में क्लिक करते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। सिंपली आपको डन वाला बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू पे में एक बार क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं आपको सक्सेसफुली ये गोल्ड मतलब ये जो आपका है Free 10 रुपीज़ मिले। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको गोल्ड में एक बार क्लिक करना है। जैसे आप गोल्ड में क्लिक करते हैं, गोल्ड में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और एक आइकन दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों एक सेल वाला आइकन दिखेगा। सेल वाला आइकन में सिंपली आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप सेल वाला आइकन में क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे अमाउंट है दोस्तों यहाँ पे आप किस में लेना, तो सेल इन ग्राम में क्लिक कीजिए। जैसे आप सेल इन ग्राम में क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको जितना भी गोल्ड है तो 0.003। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन दिख रहा है, सिंपली आपको प्रोसीड का बटन में क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे प्रोसीड का बटन में क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर नेम IFSC कोड जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ दोस्तों। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड में क्लिक करना, फिर दोस्तों आपको री एंटर बैंक अकाउंट में कर ले जैसे मैं कर, फिर आपको दोबारा प्रोसीड में क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप दोबारा प्रोसीड में क्लिक कर फिर दोस्तों इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको प्रोसीड टू सेल में एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद अपना माई ऑर्डर में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि 9.45 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो दोस्तों अपना पेटीएम अकाउंट जब जिसमें भी अपने पैसे जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर कुछ समझ पाए और दोस्तों जो भी डाउट था मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के और एक लेटेस्ट और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।